जी हाँ दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील कुमार। देखिए, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप रोक रोक करके नोट कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसका लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखिए, मैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। देखिए, जब बोला गया है तो यहां से क्या करेंगे हम, अब देखिए बोला गया किसी संख्या में, तो हम क्या करेंगे, संख्या हम 100 मान लिए, प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत में 100 से क्या हम बताए थे पिछले वीडियो में, बताए थे आपको ये प्रतिशत में जब बात करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे हम 100% से हम क्या करेंगे 100 से हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए, हम क्या मान लिए हैं, मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 100 मान लिए, किसी भी संख्या में बोला गया था, क्या किया हम 100 संख्या में 100 मान लिए। अब देखिए, इसका 20% जब बोला गया है तो 120 होगा। अब देखिए, बताया गया 20% की वृद्धि की गई तो 120 हम कर दिए। अब देखिए, बोला गया वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए। देखिए, परिणामी संख्या हमारा क्या हो गया, उसमें बोला गया 120%, यानी 20% की वृद्धि की जाए परिणामी संख्या में, तो क्या करेंगे 120 बट्टा क्या करेंगे 100। अब देखिए, इसको 10 से 10 खत्म हो गया। अब देखिए, इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, इतना हो गया। देखिए, आप बोला गया कुल वृद्धि में कितने प्रतिशत होगी, कुल वृद्धि में कितने प्रतिशत, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे इससे तो क्या हो जाएगा 44%। अब क्या हो रहा है, 44% का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए, 44% का क्या हो रहा है वृद्धि, 44% की वृद्धि हो रहा है। अब देखिए, हम यहां से क्या करेंगे, ये हो गया आपको कंसेप्ट से, लेकिन आपको हम ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। अब देखिए, यहां से क्या करेंगे, मिनटों का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम सेकेंडो में सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको हम जोरदार एक ट्रिक लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। देखिए, यहां से इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा टाइप ट्रिक पर बैठा करके आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहां से जब बोला गया है, देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक, +-x + -y + -xy बटा 100। अब देखिए, यहां एक्स वाई कैसे लिखा गया, अब देखिए प्लस में जैसे वृद्धि कहेगा तो यहां क्या लिखेंगे प्लस में, अगर यहां कमी कहेगा तो माइनस में लिखेंगे। अब दोनों के चिन्ह को गुणा करके हम यहां लिखेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं को क्या करेंगे हम गुणा करके बटा 100 पे लिखेंगे। अब देखिए, इस पर हम बैठाते हैं किस तरह से। अब देखिए, बोला गया है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, अब देखिए बोला गया है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि बोला है तो क्या करेंगे +20 लिखेंगे। अब देखिए, तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, अब दोनों में वृद्धि कहा तो क्या करेंगे, दोनों हम प्लस लिखेंगे। अब दोनों चिन्ह का क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, इसीलिए अब दोनों संख्या को हम क्या करेंगे गुना करेंगे, 20 गुना 20 क्या होगा 400 हो जाएगा, 400 बट्टा हम क्या लिखेंगे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब दोनों क्या जोड़ कर क्या होगा, 20 गुना 40 हो जाएगा, 20 और 20 को जोड़ेंगे 40, अब प्लस 4 क्या जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 44% हो जाएगा। यहाँ देखिए 44% की वृद्धि, अब देखिए प्लस में आया तो क्या हो गया वृद्धि, इसी में अगर माइनस में आता तो क्या लिखते हम कमी लिखते। इसी तरह से इसका आंसर पूरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि तथा कमी होगी। अब देखिए, हम आपको बताए थे ट्रिक,
अभी देखिए ट्रिक, देखिए इस सब क्वेश्चन को हम देखते माते बता देंगे, आप बता दीजिएगा कितना इसका आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, बताइए आंसर इस ट्रिक ऐसा ट्रिक है। देखिए यहां से अब इसमें बोला गया है एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, लंबाई में क्या करेंगे 10% वृद्धि बोला गया था, प्लस में हम 10 लिखेंगे। देखिए तथा इसके चौड़ाई में 10% कमी बोला गया है, क्या करेंगे हम माइनस 10 लिखेंगे, कमी बोला गया है इसीलिए माइनस लिख दिए 10। अब देखिए दोनों चीज को गुणा करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस, अब इन दोनों संख्या को क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, बट्टा हम क्या लिखेंगे 100। अब देखिए क्या करेंगे, दो जीरो यहाँ 100 में 100 से भाग दे रहे हैं तो पूरा कटेगा, एक जीरो से एक यहाँ दो क्या 100/100 कट के क्या होगा 1 होगा। अब देखिए दोनों का क्या है घटा कर रहे हैं, घटा जब रहे हैं क्या होगा 0 हो जाएगा दोनों कट करके, यहाँ -1 हो जाएगा इससे, तो -1 हुआ तो क्या हुआ 1% का कमी हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या 1% माइनस में आ गया इसीलिए क्या होगा 1% कमी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1% सॉरी 1% की कमी, 1% की कमी। अब देखिए 1 माइनस में आ गया इसीलिए आपको ऑप्शन में -1 नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा वहां ऑप्शन में दिया रहेगा 1% की कमी। अब यहाँ क्या करना है, जब माइनस में 1 आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे 1% की कमी, यहाँ 1% की कमी लिखेंगे। देखिए इसी तरह से क्या हुआ इसका आंसर पूरा हुआ। देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, जब बोला गया है क्या करेंगे हम डायरेक्ट ट्रिक पर बैठाएंगे इसको। अब देखिए ट्रिक अभी आप पढ़े हैं, देखिए बोला गया है इसमें एक वर्ग की लंबाई में 40% बढ़ा दिया जाए, देखिए 40% बढ़ा दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे प्लस में 40 लिखेंगे। अब देखिए तथा 30% की वृद्धि कर दिया है, अब क्या लिखेंगे प्लस में हम 30 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोनों चीज को गुणा करेंगे, यहाँ देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस है, क्या लिखेंगे हम प्लस, दोनों संख्या को गुणा करेंगे, देखिए 40 और 30 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 1200, बट्टा हम क्या लिखेंगे गुणा करके बट्टा हम भाग सॉरी 100 से भाग देंगे हम। अब फॉर्मूला पढ़े हैं, अब देखिए ये दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या करेंगे हम खत्म कर देंगे। अब देखिए क्या ये दोनों को जोड़ करके क्या होगा 40 और 30 को जोड़ेंगे 70 सॉरी 40 और 30 को जोड़ेंगे 70 और प्लस 12 क्या करेंगे 12 जोड़कर कितना होगा 82, क्या हुआ 82% प्लस में है इसीलिए क्या लिखेंगे हम 82% की वृद्धि। इस तरह से क्या हुआ इसका आंसर पूरा हुआ। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां से चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां से क्या बोला गया है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। अब देखिए बोला गया स्टूडेंट क्या करता है, ये बोला गया है इसमें 20% कमी और 20% की वृद्धि किया जाए तो स्टूडेंट को सीधा समझता है क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें क्या कमी और वृद्धि हो रहा है, इसमें बोला गया है 20% वृद्धि कर दी जाए और 20% क्या कमी कर दी जाए, देखिए इसमें क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा देखिए बोला गया है प्लस में, देखिए यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर 20% में जब वृद्धि हो रहा है देखिए ट्रिक से डायरेक्ट हम देखेंगे, डायरेक्ट देखिए हम ट्रिक से देखेंगे 20% की वृद्धि बोला है तो क्या लिखेंगे प्लस में हम 20 लिखेंगे, वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, जब बोला गया 20% पानी कम कर दी, यहाँ 20% खपत क्या है कम कर दी जा रहा है सॉरी कम कर दी जाए, देखिए 20% कम किया जा रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। अब देखिए दोनों चीज को गुणा करेंगे प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, अब दोनों संख्या क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, दोनों संख्या गुणा करेंगे तो क्या 20 × 20 400, बट्टा में क्या फॉर्मूला से पढ़े हैं ट्रिक से, फॉर्मूला में दिया गया था 100, तो अब क्या करेंगे दोनों का हम दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या करेंगे खत्म करेंगे। अब देखिए क्या है प्लस में है 20, अभी दोनों क्या है एक जात में है, यहाँ दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे 20 और माइनस, यहाँ -20 और -4 है
दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस चौबीस। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस में है, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, प्लस में है और माइनस में, दोनों क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस कर देंगे, दोनों घटा देंगे, बड़का अंक के पीछे क्या है जो साइन है वो साइन लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ चार प्रतिशत माइनस में आ रहा है, क्या चार माइनस में आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ चार प्रतिशत कमी, 4% की कमी। इस तरह से देखिए इसका आंसर पूरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे बिक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जब क्या मूल्य में 30% कमी कर दी जाए तो क्या होता है बिक्री कर क्या होता है बिक्री 40% क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। स्वाभाविक है जब रेट कम रहेगा तो सेलिंग क्या होगा बढ़ेगा। अब देखिए यहां से बोला गया है फलों के मूल्य में 30% क्या है कमी कर दी जाए तो क्या लिखेंगे हम माइनस में 30 लिखेंगे ट्रिक से। देखिए हम माइनस में 30 लिखेंगे। अब देखिए बोला गया है उनकी बिक्री 40% अधिक होती है तो क्या 40% अधिक बोला है तो क्या करेंगे हम प्लस लिखेंगे 40। अब माइनस प्लस बराबर क्या लिखेंगे माइनस गुना करके चिन्ह को। अब देखिए यहां से दोनों संख्या क्या करेंगे हम गुना करेंगे तो क्या होगा 30 और 40 को गुना करेंगे तो 1200 बट्टा 100। अब देखिए क्या है 10 से 10 खत्म, 20 से 20 खत्म हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे दोनों क्या करेंगे हम यहां से माइनस में, देखिए माइनस में 30 है और क्या है माइनस में 12 है, दोनों को देखिए माइनस अब के पास यहाँ क्या था 30 रुपया कर्जा था फिर भी 12 रुपया कर्जा ले लिया गया तो क्या हो गया 42 रुपया कर्जा हो गया। यहाँ लिखेंगे 42 माइनस में, माइनस 42 है यहाँ क्या है प्लस में 40। अब क्या करेंगे दोनों घटा देंगे तो माइनस क्या होगा 2, यानी 2 वहां ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 2% कमी, माइनस में आया 2 इसका मतलब क्या है 2% कमी, अगर प्लस में आता तो क्या लिखते हम 2% वृद्धि, यहाँ माइनस में दिया गया है यहाँ क्या लिखेंगे 2% की कमी, 2% की कमी। इस तरह से